वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्।
ऐसे ही अपना कुटुंब है, परिवार है, संपत्ति है, इसको मेरा कहते हैं। अब ये जब तक नहीं मिला था तब तक इसको मेरा नहीं कहते थे, और जिस दिन ये बिछड़ जाएगी उस दिन हम मेरा नहीं कहेंगे। और बड़ी सीधी सरल बात है समझ में लाने के लिए, जो अगर तुम्हारे पास नहीं है उसको खरीद करके ले लेते हैं तो बेरी कहने लग जाते हैं, उसको बिक्री कर देते हैं तो मेरी नहीं कहते, ऐसे किसी से ले ली तो उसको मेरी कहते हैं और किसी को दे दी तो मेरी नहीं कहते। ये मैं और मेरा तो रहता नहीं है, शरीर भी बालक था तो मैं बालक हूँ कहते थे, जवान हो तो मैं जवान हूँ कहते हैं, बूढ़ा तो मैं बूढ़ा हूँ कहते हैं। अगर ये मैं और मेरा सच्चा होता तो ऐसे टिकता ठहरता रहता, वैसे ही हमारे सामने दोनों बातें बदलती है और मान लेते हैं। ये टिकते नहीं है, ठहरते नहीं, ये बात अनुभव की है, और इसको दृढ़ता से मान लिया कि मैं हूँ ये मेरा है, तो है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, और अभी माना इतना जोर से माना हुआ है तो किसी से लड़ाई कर लेते हैं, अन्याय कर लेते हैं, झूठ कपट बेईमानी कर लेते हैं, शास्त्र से निषिद्ध आचरण कर लेते हैं, मैं और मेरे के लिए इतनी दृढ़ मान लिया। ये माया है, इससे छूटना है, तात्पर्य हुआ इस माया से छुटकारा प्राप्त करना, यही बंधन है। विश्वास कबीर साहब ने कहा कि मैं मेरे की जेवरी गड़बंदी संसार, मैं और मेरे की रस्सी है जिसमें गले में फांसी लगी हुई है। दास कबीरा क्यों बने, राजा के राम आधार, राम ही मेरे हैं, ये मेरा नहीं है, मैं राम जी का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो राम जी का आधार है हम क्यों फंसे। इस मैं मेरे को जो संसार में लगा रखा है, जो भी वास्तव में हमारे जाति का नहीं, हमारा साथी नहीं, हमारा संबंध नहीं, हमें केवल एक रहने वाले, ये जड़ बिछड़ने वाला, हम निरंतर बोल जाते हैं, ये निरंतर ही बदलता है। उसने मैं और मेरा कर लिया, ये गलती हुई, इस मैं और मेरे को छोड़ दें, ये यहाँ तक हम आए, इसे त्याग कर दें। अब अगर ये एक बड़ी कठिन बात हो गई कि इसका त्याग होता नहीं, ये और समस्या आई। अब इस पर विचार करें, ये हमारे से छूटता नहीं है तो हम छोड़ते नहीं है, तो छोड़ते हैं पर छूटता नहीं, तो आप छोड़ते तो हैं पर छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब ये प्रश्न आया, छोड़ना चाहते तो हैं, चाहते तो ये ढिलाई है, इसको छोड़ना ही है पक्का विचार नहीं, ये यहाँ गलती है। पक्का विचार हो जाए बंधन से हमें अलग होना है, हमें अपने मुक्त होना है, भगवान से प्रेम करना है, सदा रहने वाले आनंद को प्राप्त करना है, उस बंधन से छूटना पड़ेगा भाई। इस बंधन में रहते हुए छूट नहीं सकते कभी, उसको छोड़ना चाहे तो छूट जाए, साधु तो है परंतु बिल्कुल ऐसी चाहना नहीं, ये बंधन कैसे टूटे। जैसे किसी को फांसी का हुक्म हो जाए और वो करता है, किसने भी फांसी चले, रात दिन नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, कोई चीज सुहाते नहीं, इसी तरह से लगन लग जाएगी, कैसे छूटे, फिर भी ना छूटे। तो एक विलक्षण बात है, जहाँ अपने से कोई काम नहीं होता है वहाँ बड़े का आश्रय स्वतः लेता है, हमारे स्थिति ये हो नहीं सकता। आप लोग व्यापार में चलता है तो व्यापार में जो रकम पास में नहीं होती है तो उधार लेते हो, ब्याज देकर लेते हो, गर्ज करके लेते हो, उसमें काम नहीं चलेगा। तो जहाँ अपनी शक्ति काम नहीं करती
वहाँ शक्तिशाली के आश्रित होते हैं। और ये मैं मेरा छूटता नहीं, तो छोड़ना अगर चाहेंगे तो भगवान है शक्तिशाली, उसको हम मानते हैं, और उससे फिर कोई बलवान है नहीं, तो उसके शरण अगर उसको पुकारे लेना ये आपद कैसे छूटे, पकड़ तो मैंने लिया तो छूटता मेरे है नहीं मेरे से। ऐसे अगर सच्चे हृदय से अगर पुकार करें तो भगवान की कृपा से छूट जाएगा। पर जो छोड़ने की लगन हमारी चाहिए, जैसे किसी को भूख लग जाए तो रोटी आप दे सकते हैं परंतु भूख नहीं दे सकते, ऐसे लगन असली अपनी होनी चाहिए खुद की, फिर प्रबंध भगवान का नहीं। असमर्थ होकर पुकारता है तो समर्थ के वो जिम्मेदारी में बात आ जाती, वो सर्व समर्थ है ना, समर्थ है उसके ऊपर उसका भार पड़ता है, वो बेचारा पुकारता है असमर्थ है। तो समर्थ है और दयालु है वो दूसरे का दुख सह नहीं सकता, और वो सर्वज्ञ भी है, दुख हो और हम दूर करना चाहे दया भी आए, सुनता ना हो जानता ना हो ऐसी बात नहीं। ये तीन बात भगवान में है, वो जानते हैं और दयालु है और समर्थ है, उसके रहते हुए बड़ा बंधन रह नहीं सकता। तो बंधन क्यों रहता है कि हम सच्चे हृदय से छोड़ना चाहते नहीं, ऐसे रहता। अभी विचार आता है छोड़ना चाहते क्यों नहीं, भगत पर कहते हैं छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ना चाहते नहीं, ये कहाँ अटकी हुई बात है, ये अटकी हुई है मैं और मेरे से सुख लेने की गलत, मैं को लेकर के सुख पाते हैं, हम बड़े हो जाएं, विद्वान हो जाएं, प्रसिद्ध हो जाएं, हमारी गर्ज करे लोग मेरा आदर करे तो आदर में सुख मिलता है, लोग बड़ा मेरे को समझते हैं सुख मिलता है, और मैं से सुख बोलते उसको छोड़े कैसे, ये सुख ही ऐसा है इस वास्ते मैं तो नहीं छूटता, ऐसे ही मेरी वस्तु है तो मैं काम में लेता हूँ, उसमें हमारे सुख होता है, धन है तो चट यहाँ से सवारी कर ले चले जाए तो उसे सुख मिलता है, वो सुख मिलता है इस वास्ते छोड़ना चाहते हैं। खास बीमारी है ये यहाँ से सुख लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, मैं और मेरापन से सुख भोगते हैं, इस बात से इस वक्त छोड़ने का पक्का विचार नहीं होता, जिससे सुख मिलता है कहने छोड़ा जाए, कोई जीव जंतु क्या हो जिससे सुख मिलता है छोड़ नहीं सकता, वो ऐसे मनुष्य भी छोड़ नहीं सकता, वो भी सुख मिलता है। तब एक प्रश्न आता है, ये सुख मिलता है तो इस सुख की इच्छा है ये कैसे छूटे, इसे सुख लेने की जो इच्छा है ये कैसे छूटे, तो इसमें वही पैदा घूमकर प्रश्न आ जाएंगे, इसको छोड़ना चाहेंगे, छोड़ना तो चाहते हैं, तो छोड़ना भी चाहते हैं, सुख भी लेना चाहते हैं, तो सुख लेना चाहते हैं ये बात कैसे छूटे, इसे छूटने के लिए कई उपाय है। एक उपाय इसका है कि सुख लेते हैं सुख रहता है क्या निरंतर, ये अनुभव इसे सुख रहता नहीं, सुख से दुख ज्यादा भोगना पड़ता है, दोनों को माप तोल कर देखा जाए सुख की अपेक्षा दुख अधिक होता है, परंतु सुख में भूल जाते हैं, दुख में घबराते, जहाँ सुख मिला वो घबराहट दूर हो जाती, दुख इतनी याद नहीं आती, फिर दुख मिलता है, फिर चेष्टा करते हैं सुख लेने के लिए, बड़े दुखी होते सुख मिलता है दुख भूल जाते, मनुष्य दुख मिलता है उस दुख के अनुभव को ये स्थायी बना ले तो ये दुख तो भोगना पड़ेगा, सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है, नियम है, पहले दुख नहीं हो तो सुख होगा नहीं, और सुख भोगे तो दुख आएगा ही,
दोनों तरफ दुख जरूर रहेगा, ये नियम है। पहले दुख नहीं होता सुख हो ही नहीं सकता, और सुख हुआ है तो वो रहेगा ही नहीं, जो हुआ हुआ उत्पन्न हुआ है ना, थोड़े वाला है नियम। इस वजह से दुख का अगर हम आदर करें और सुख में भी दुख को देख लें, जैसे पतंजलि महाराज ने दुख लिया सर्वम विवेकी ना, विवेकी को दुख दीता है, समझदार को उसमें दुख दीता है। दाद की बीमारी में खुजली चलती है, अच्छी लगती है, तो अच्छी लगने पर भी समझदार देवता की बीमारी है। दूसरे सुख में भी वो देख लेगी बीमारी है, बीमारी होने के बाद ये सुख होता है, बीमारी नहीं होती तो दाद गाना सुख होता है, गर्म होती प्रकृति से भोगते सुख दुखों को होता, और सम दुख सुख स्वस्थ क्या स्वस्थ हुआ तो दुखम हो जाएंगे, और दुख से घबरा तो सुख में खिंचाव नहीं होगा, तो बीमार अवस्था से रेट होगी स्वस्थ हो गए, सम दुख सुख स्वस्थ, तो स्वस्थ कैसे हो जाए, ऐसे ही वो बीमारी मानने सुख में भी दुख देखने लगे तो छूट गए। और एक दूसरा उपाय है बड़ा सरल, कि दूसरे को सुख कैसे हो ये लग जाए लगन, या ये लगन लगी इधर से सारे दुख छूटो, सुख छूट जाए तो सुख दुख मिट जाएगा, और वो सुख कैसे हो, और वो सुख कैसे हो, भगवान ने कहा सर्वभूति हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती हो, दूसरा का हित कैसे हो, दूसरे का सुख कैसे हो, दूसरे का आराम कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, हमारा जितना सुख है दूसरे के सुख में लगा देंगे, जिसको सुख होता है दुख मिटाने में लगा देंगे, ऐसे अगर जोरदार हो जाए तो ये मिट गया, और जहाँ सुख की इच्छा मिटी तो दुख आएगा नहीं, और जहाँ सुख की इच्छा मिटी वहां दुख क्यों नहीं आएगा, मैं मेरा है ये दुख नहीं रहेगा, या मैं मेरा केवल काम में जाने लग रहे फसाए तेरा भाग दूर दे जाएगा, मैं और मेरा में दोस्त मसाउट का भाग ये तो दूर हो जाएगा, व्यवहार मात्र में मेरा रहे, फिर ये मैं मेरा जो बंधन कारण है, मैं मेरे जेवरी ये रस्से नहीं रहे, मैं और मैं मोड़ तोड़ के माया ये माया नहीं रहे, बंधन दूर जाएगा। तो बात ये आई कि सबको सुख कैसे हो, किसी को किसी मात्र की कष्ट न हो, ऐसा विचार करना और तन से मन से वतन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से और सुख पहुँचाने का व्रत ले लेख सुख पहुँचा, तो ये समस्या बंधन मिल जाए, सुख का ही बंधन बंधन है, सुख का जीता है दुख, बंधन में दुख जीता है, बंधन है सुख। नारायण 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 स्वयं थोड़ा है क्या, थोड़े में कह दिया करो, मैं प्राय समझ तो लेता हूँ, चीज देख के बिना भी समझ देता हूँ। नारायण 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 ध्यान करा देना हमारे हाथ की बात नहीं है, मेरे से अगर पूछे ध्यान वो सुगमता ये दिखती है हमें कि एक परमात्मा है, इस बात को मान लें, फिर तरह से इस बात को स्वीकार कर लें कि परमात्मा है, तो आप सब ध्यान होगा। जैसे हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम उत्तराखंड में गंगा जी के किनारे हैं, ऐसे हम आगे हमने स्वीकार कर लिया तो ये हरदम रहता है कि हम गंगा जी के किनारे हैं, कोई पूछे तो अचानक पूछे चाहे नींद में से जगाकर पूछे तो भी हम तो सुरक्षा से आए हुए हैं गंगा जी के किनारे हैं, ये एक भाव बन जाता है। इस तरह की आवश्यकता है भगवान के होने की, तो भगवान है ब्रह्मा जी भी कह दें तो इसमें तो चल नहीं सकते, परमात्मा है सब जगह,
ये अगर अखंड रहे तो बहुत सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाए। ध्यान किसका नाम है, तो ध्यान जो बताया गया है वो ध्यान बताया, उससे ऊंचा ध्यान मैंने बताया है। ध्यान के लक्षण तो है तत्व प्रत्येकता ध्यानम, मन चिंतन हो, एक चिंतन के बाद दूसरा चिंतन, दूसरे तीसरा चिंतन, चौथा चिंतन, एक ही चिंतन होता जाए, एक के बाद एक ही एक चिंतन हो, दूसरा चिंतन बीच में न आवे, ऐसे जिसका वो चिंतन होता है उसको ध्यान कहते हैं। वो चाहे भगवान का हो, चाहे संसार का हो, और किसी व्यक्ति का हो, चाहे नाम का हो, उसके बाद में दूसरी वृत्ति कोई नहीं आवे, केवल उसी का ही उसी का ही उसी का ही उसी का ही चिंतन हो, उसको कहते हैं ध्यान। ये ध्यान का लक्षण है। तो वो ध्यान होता है वृत्ति के द्वारा, ये लक्षण है पातंजल योग दर्शन का। तो तत्र प्रत्येक तानता, जब प्रत्येक वृत्ति जो है हमारी उनकी एक तानता हो जाए, एक तानता ही तो उसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान होता है उसके बाद समाधि हो जाती है। परंतु मैं ध्यान वो बता रहा हूँ जो गीता जी जो कहती है, गीता का ध्यान इससे विलक्षण है। गीता कहते हैं समत्वम योग उच्यते। पतंजलि महाराज कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो निरोध तो एक तरह बैठोगे तभी होगा निरोध, चलने फिरने में व्यवहार करने में निरोध नहीं होगा, सबसे वृत्तियों का वृत्ति कैसे रुक जाएगी। परंतु गीता का योग बहुत विलक्षण है, बहुत सुगम है, बहुत ही तेज है। एक आधी वृत्तियां हो गई उठे तो फिर वृत्तियां इधर हो जाएगी। अरे गीता कहते समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है। अरे सम क्या है कि निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। जिसका मन सम हो गया और निर्दोष हो गया उनकी स्थिति ब्रह्म में है। ध्यान से समाधि से तो सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है, और सिद्धियों में न फंसे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। और ये जो समता में चित्त हो गया तो सिद्धि विधि में परमात्मा की प्राप्ति ही होती है। सीधी बोध ही जो होता है कल्याण ही होता है सीधा ही, उस समत्व में योग उच्चे थे। और यही होता है सर्वो ये शांत साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। मन से मन से रहित हो गए, जीते जीते ही। गीता माया जरा मरण मोक्ष है, अब जरा मरण से मुक्ति होगी उनकी, वृद्धावस्था आ जाए अपने मुक्त है, मृत्यु सही जी हो जाए अपने मुक्त है, जरा मरण मोक्ष है इससे मुक्ति हो जाए। तो कब हो जाए, अभी समता में स्थिति हो जाए। समता क्या है, निर्दोष समम ब्रह्म परमात्मा सम है और निर्दोष है। तो ऐसा आप मान लें कि परमात्मा है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में परमात्मा है, केवल इस बात को मान लें। और ये बात सुगम है, क्यों सुगम है कि आप लोग सबके सब मेरी दृष्टि में आस्तिक हैं, परमात्मा तत्व को मानने वाले हैं, ईश्वरवादी हैं। तो मानने वालों को मानने में क्या जोर आता है, नई विद्या सिखाई जाए तो उसमें कठिनता पड़ती है। परमात्मा मानते तो है ही, तो परमात्मा सब जगह है इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करें परमात्मा है, तो मानते तो है ही हो। तो इसी बात में कहता हूँ आपको मान लें दृढ़ता से, तो फिर हमारे में कमी क्या रही, एक बात की कमी रहती है। अगर उस तरफ ख्याल आप करें तो बहुत बड़ा भारी लाभ हो, और मेरी तो एक आदत ही पड़गी उस बात कहने की। कुछ बात नई बात नहीं है, पुरानी बात है, सदा की बात है हमारी। क्या ये जो जितना अपने को मिला है ये हमारे पास पहले था नहीं और फिर हमारे पास रहेगा नहीं, इस बात को साथ मान ले। मेरे पार है केवल वो दो बात, परमात्मा है उसका तो अभाव होता नहीं, हमारे को जितनी चीजें मिली है ये रहेगी नहीं, प्रत्येक क्षण जा रही है, पहले थी नहीं फिर रहेगी नहीं। तो ये है ऐसी बात नहीं, ये तो व्यवहार के लिए खेल तमाशा के लिए एक मिली है, इसे तो खेल करना है नाटक करना है। और है परमात्मा,
अब इसमें गलती क्या होती है, इस संसार को सच्चा मान लेते, यही गलती होती है। आशीर्वाद है ईश्वर को मानते ही है, ईश्वर को मानते साथ साथ संसार को भी मानते हैं, इसको भी महत्व देते हैं, ये गलती होती है। इसके महत्व देने का एक तरीका है, उस तरीके से आप ख्याल करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मनुष्य मात्र के भीतर एक बात बची हुई है, पशु पक्षियों में भी जीव मात्र के भीतर जची हुई है कि जो अभी नहीं है वो मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। बड़ी भारी गलती ये है, रुपये हमारे पास नहीं है, रुपये हो जाएंगे तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। विद्या हमारे पास नहीं है, वो विद्या सीखेंगे हम बड़े आदमी हो जाएंगे। हमारे को बहुत से लोग मानते नहीं है, ये सबके सब मानने लगे, आदर करने लगे, हम बड़े हो जाएंगे। हमारी प्रशंसा नहीं है, वो ज्यादा प्रशंसा वाह वाह हो जाए तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। हमारे को पद मिला नहीं, वो पद मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। हमारे को मिनिस्ट्री मिल जाए तो हम बड़े भागी आदमी हो जाएंगे। ये जो एक चीज है जो नहीं है अभी, वो मिलने से हम उन्नति मानते हैं। महान धोखा ये होता है कि जो अभी नहीं है और फिर भी नहीं रहेगी, नहीं तब तो उस नहीं के पीछे क्यों भागते हो। अभी हमारे मान आदर सत्कार कम है, ज्यादा हो जाए, तेजी हो जाए, लोग सब पूछने लग जाए हमारे को, तो हम बड़े हो जाएंगे। आफत होगी, आफत अब कुछ बड़े नहीं होंगे। किसी को तो लोग मानते ही होंगे, किसी का यश भी होगा, किसी का आदर भी होगा, कोई मिनिस्टर भी होगा, ये तो होगा ना, वो न्याय हो गया आपकी दृष्टि में, तो उसी मानने का आप होंगे और आदमी क्या आ जाएगा। जो है नहीं वो चीज मिल जाए तो हम न्याय हो जाएंगे। अब है नहीं ध्यान, उसे ध्यान करें, अरे ध्यान उसका करो जो है, छूटेगा ही नहीं कभी। चित्तवृत्ति निरोध नहीं है, वो निरोध करने का ध्यान कहते लोग पीछे पड़ेगा, ऐसा मन लग जाए, अरे भैया इसमें ज्यादा महत्व नहीं है। ज्यादा महत्व किसमें, जो है मौजूद, कभी जिसका अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, किसी का अभाव कभी हो, उसका अभाव हो सकता नहीं। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, गीता कहती है इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर सकता ही नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं जिसका विनाश कर दे। और वो जो है उससे दूरी कैसी, वो न देश में दूर है, न किसी काल की दूरी है, न वस्तु की दूरी है, न व्यक्ति की दूरी है, वो नजीक है, पास में है। आप जहाँ है मैं हूँ, वहाँ आप में तो नींद आ जाती है, पर उसमें है उसमें नींद नहीं आती, वो है जो का क्यों रहता। सर्व क्षेत्र की बात है, सब क्षेत्रों में मैं हूँ, वो है जो का क्यों है, उसमें कहीं बाधा होता ही नहीं। अब उसको आप मान लें तो कितना ध्यान सुगम है, कितनी सरल बात है, वो तो है ही, उसका अभाव होता ही नहीं। गंगा जी पर तो एक देश में आप आए हैं, उस पर भी आपके ख्याल रहता है कि हम स्वर्ग आश्रम में गीता भवन में रहते हैं, जो कि एक देश में है। यहां से चले जाएंगे तो धारणा नहीं रहेगी, पर परमात्मा से अलग कहां चले जाएंगे, वो तो सब समय में रहता है, सब देश में रहता है, सब काल में रहता है। इसको दूर करने वाली केवल यही दृष्टि है कि अभी जो नहीं है वो मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। ये महान भ्रम है, महान भूल है, महान गलती है, इसका त्याग कर दो। जो अभी नहीं है वो मिलेगा तो हम निहाल हो जाएंगे। अब सोचो जो नहीं है वो मिलने पर रहेगा क्या, आज दिन तक नहीं था वो मिला है, रहा है क्या, मिला था वो रहा है, तो अब नहीं है वो मिलेगा रहेगा कैसे। एक ही बात सीख लें आज आप, एक ही बात, वो परमात्मा है तो आपके पास मौजूद है ही। बड़ी भारी भूल है ये, जो अभी नहीं है वो पद मिल जाए, अभी जो अवस्था नहीं है वो अवस्था हो जाए, जो स्थिति हमारी अभी नहीं है वो अवस्था स्थिति हमारी हो जाए, उससे हम निहाल हो जाएंगे। परमात्मा में मिले नहीं है वो मिल जाए तो निहाल हो जाए, अब मिले नहीं है कर दे पहले। चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे तो ध्यान परमात्मा जहाँ ध्यान करते वहाँ है, पर याद करते हैं परमात्मा अभी है नहीं, परमात्मा अभी मिले नहीं, परमात्मा नहीं मिलेंगे, देरी से मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, ये अभ्यास है आपका, ये भजन ध्यान है, उल्टा निश्चय करना। अरे संसार वहां है नहीं, चिंतन होता है, संसार आता है, संसार याद आता है, जो है नहीं,
नहीं है उसको तो मानते पकड़ करके, और है वहां मौजूद उसको मानते नहीं। इस व्यक्ति का साथ सुधार गए आज अभी 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 अभी, इसमें देरी का काम नहीं है, ये भविष्य में होगा, अभ्यास यही बात नहीं है। अभी जहाँ चिंतन करते हैं परमात्मा परिपूर्ण है, और जो संसार याद आता है बिल्कुल नहीं है, पहले संसार था वो याद आता, अथवा अगर का विचार होता है तो वो अभी है नहीं, उसकी याद आती है। याद जितनी आती है भूतकाल की तो भविष्य काल की, जो कि अभी नहीं है उस नहीं को तो मान लिया है, और जहां चिंतन करके वहां परमात्मा है मौजूद बिल्कुल पूरे के पूरे, वहां कम नहीं है, जो पूर्ण परमात्मा है वो वहां मौजूद है। जहां चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, याद करते हैं, जप करते हैं, वहां परमात्मा है। कहीं जाओ परमात्मा आपका पिंड छोड़ेगा ही नहीं, वो तो रहेगा, है क्यों का क्यों रहेगा। अब वो है उसको मान लें, बस निहाल हो जाए। वो संसार के चिंतन होता है, हमारे चिंतन होता है साहब, हमारे संगत दुगले होते हैं, हमारी याद बहुत आती है, वो याद आती तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहली की बात आती है तो अभी अगर की याद आती है, बताइए है कौन सी बात याद आती है, बताओ। अगर है उसकी रुपया भी याद आता है तो ये है तो नहीं, पास में तो नहीं, वहां पड़ा बैंक में कहीं, बिल्कुल नहीं है, उसको तो है मान लिया। और वहां परमात्मा मौजूद है बिल्कुल, किसी को ब्रह्मा जी भी हटा नहीं सकते, ऐसे परमात्मा माना नहीं। सब कुछ ध्यान कराओ तो कह सक रहा है। ये मान लो कि ध्यान छूटेगा क्या, आप बोले क्या, इतने बैठा बोलो क्या ध्यान छूटेगा, तुम ध्यान करें क्या, उधर है वो तो है, उसका अभाव किसी का आप तो सामर्थ्य नहीं है जिसको नाश करते, कोई है वो है। विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, अविनाश है, विनाश कोई कर सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी का, वो सामर्थ्य है वो परमात्मा। अब उसको तो नहीं मानते, संसार याद आ जाए उसको मानते, याद आ गया था, अरे याद आया वो चीज होती नहीं है, चाहे पुरानी हो चाहे अगड़ी की हो, चाहे अभी अभी भी कहीं पड़ी है तो है तो नहीं, अभी जहाँ ध्यान करते वहां है क्या, तो नहीं को तो है मान लिया, है को नहीं मान लिया। अब कहीं ध्यान करो तो नहीं को नहीं मानते हुए और नहीं को है मानते हुए, है को नहीं मानते हुए ध्यान कभी नहीं हो सकेगा, और नहीं को नहीं मान ले, है को है मान ले, कभी छूटेगा नहीं ध्यान, कभी नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा बताओ, आप बताओ कैसे छूटेगा, है का कैसे अभाव होगा और नहीं का भाव कैसे हो जाएगा। इसका जो परमात्मा है ये मौजूद परमात्मा है, अब उसका ये आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद कहने से आपको वृत्तियां ठीक होती है, तो कैसे वृत्तियां ठीक होती है, ध्यान थोड़ी हो गया उसका, एक थोड़ी सी शांति मिलती है, वो तो रोटी खाने से मिल जाती, पानी पीने से मिल जाती, क्या मूल्य है उसका, है चीज उसको मार है। अब नहीं है वो प्राप्ति होने से बड़प्पन मानते हैं, वो बड़प्पन तो आपका तो है नहीं, वो टिकेगा नहीं, वो ठहरेगा नहीं, इसमें कोई शंका हो बोला, अरे तो लक्ष्य है ही और कुछ लक्ष्य नहीं, परमात्मा है, आप बताओ लक्ष्य क्या है, आप तो आस्तिक हो, परमात्मा मान के लक्ष्य बताइए, आप बताइए फिर मैं बता दूंगा, आप वो मेरा नहीं तो मेरा मान लो, सब जिसका पता नहीं हो तो दूसरी की बात मान ले, तभी ठीक होगा ना। हम कहते हैं वो जहाँ आप चिंतन करते हो वहाँ है, नाम लेते हो वहाँ, आप गाय व्यवहार करते हो वहाँ, आप देखते हो वहाँ है, जहाँ सुनते हो वहाँ है, आप तकते हो वहाँ है, स्पर्श करते हो वहाँ है, जितनी वृत्ति जाती वहाँ है, उसे अलग हो ही नहीं सकते आप कभी, है ये बात मान लो, किसी की ताकत नहीं उसे अलग हो जाए, अरे वो आपसे अलग हो जाए उसकी भी सामर्थ्य नहीं। और क्या करो सहायक होती जरूर, बट आप सहायता लो, मैं साक्षात बताऊ, साक्षात लेते नहीं सहायता लेते हैं, आप सहायता, आप सहायता करो, हम असली बात बताओ तो आप सहायता ले लो। आप थोड़ा क्यों लेते हैं, अगर चर्चा करने लगते हैं उससे भी खुशी आती है, अगर वहाँ है इसको मान ले तो कितनी खुशी होनी चाहिए,
आपको पकड़ने वाली बात अच्छी लगती है, नहीं है वो मिले तो राजी होगा, वो ही मिलती है यहाँ आए, जो अभी शांति नहीं है वो शांति मिल जाए तो उसमें बिछड़ जाएगी। हम कहते हैं है उसको तुमने मान ले तो बिछड़े ही नहीं, कभी नहीं होगी नहीं हो। हाँ तो बहुत जोर पर से कही है, तो कहने का क्या जरूरत है, बहुत ऐसे प्रति तो है, समान लो परमात्मा है पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद 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 वायु परिपूर्ण आनंद नित्य सर्वगत स्थानुगत लोकोयम सनातन परिपूर्ण परमात्मा है। किसी को भी परमात्मा ही मान लें, परमात्मा साकार है निराकार, आपके भाव परमात्मा का होना चाहिए, फिर आप सगुण मानो निर्गुण मानो साकार मानो निराकार मानो सर्वोपरि परमात्मा है, ऐसा भाव में कम नहीं चाहिए। रूप आप चाहिए भाव पूर्ण चाहिए, भाव में कमी नहीं चाहिए। है अभी परिपूर्ण शांत आनंद घने, नारायण 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 उसी में मस्त रहो, बस चले फिरे तो उसी में, जैसे आकाश को छोड़ ही नहीं सकते, पृथ्वी को छोड़ ही नहीं सकते, ऐसे है उसको हम छोड़ ही नहीं।